चिंबकगाल में महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न के विरोध में महिला जागृति मंच महेंद्रगढ़ की ओर से आज शहर में एक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका। इसके बाद महेंद्रगढ़ एसडीएम संजीव कुमार को देश के गृह मंत्री अमित शाह के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व महिला जागृति मंच की संयोजिका ललिता अमित भारद्वाज ने किया। उन्होंने अपने ज्ञापन में बताया कि पश्चिम बंगाल में दिन प्रतिदिन महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। संदेश खाली, कूचबिहार और उत्तर दिनाजपुर चोपरा में महिलाओं के साथ जो दरिंदगी की, उसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। इस भयावह व जघन्य कांड ने तालिबान शासन का स्मरण कराया है। एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अन्याय, अत्याचार और अपमान हो रहा है। उन्होंने बताया कि महिलाओं का शोषण और दर्दनाक उत्पीड़न की वह निंदा करती हैं। उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर तथा घटना की न्यायिक जांच करवाकर सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। साथ ही पीड़ित महिलाओं के शारीरिक और मानसिक उपचार और उनके पुनर्वासन की प्रभावी व्यवस्था किए जाने की मांग की गई है। महेंद्रगढ़ से दिनेश कुमार की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में एक महिला को कपड़े उतार कर दूसरी महिलाओं द्वारा ही, जो दूसरी पार्टी से बिलोंग करती थी, बेरहमी से पीटा गया। और ये कोई नया नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में अक्सर ऐसा होता आया है कि हिंदू भाइयों पर भी अत्याचार हुए हैं, महिलाओं पर भी अत्याचार हुए हैं। और इस बर्बरता से अत्याचार होते हैं कि हर सीमा लांग दी जाती है। महिला चाहे वो उच्च जाति की हो, चाहे वो नीची जाति की हो, चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी पार्टी, किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करती हो, लेकिन इस तरह की जो बर्बरता बरसाई जाती है, जो अत्याचार किए जाते हैं, जो सरेआम पीटा जाता है, उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, ये एक बहुत असहनीय चीज हुई है। अभी महिलाएं आई हुई हैं यहाँ पे प्रदर्शन करने, कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, उन्हीं के संदर्भ में इन्होंने यहाँ प्रदर्शन किया है कि उनको न्याय दिलाया जाए।